हेलो एवरीवन, शिक्षा विभाग में परमानेंट शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 17 अक्टूबर यानी कल की ही डेट में ये विज्ञप्ति जारी हुई है, जहां सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत और सोशोलॉजी। ये सभी सब्जेक्ट रहेंगे जो कि थंबनेल में मैंने शो कर दिए हैं। सभी राज्यों के यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सारी चीजें हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। सैलरी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को 63,000 मिलेगी, बिल्कुल रेगुलर और परमानेंट जो है पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो फ्रेश एडवर्टीजमेंट बिल्कुल जारी हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हाईलाइट कर दिया है मैंने, रेगुलर बेस पर ये वैकेंसी है और पीजीटी की पोस्ट आई है। टीजीटी की, पीआरटी की भी जो है वो बिल्कुल आएगी, अभी पीजीटी की पोस्ट है। और यहाँ सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर दोबारा से जो है वो आप चेक कर लें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, वोकल, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, संस्कृत है और सोशोलॉजी है। यानी कुल जो है यहाँ पर जो पोस्ट आई है ये केवल जो है वो पीजीटी की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, ठीक है। तो अभी जो है टीजीटी की भी आएंगी, तो बिल्कुल रेगुलर बने रहें चैनल पर। यदि पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी जारी होती हैं ऑथेंटिक साइट पर जैसे ही जो है नोटिफिकेशन आ जाता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। तो यदि आप जो है आवेदन करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप चूके नहीं और समय से पहले जो है वो आवेदन कर सकें, ठीक है। बाकी चीजें जो है हम देख लेते हैं, यहाँ पर वैकेंसी जो आई है कौन से जगह से है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये वैकेंसी आई है। काफी वैकेंसी जो इससे पहले भी जो आ चुकी है, वीडियो बन चुके हैं और उनकी लास्ट डेट भी निकल गई है, लेकिन ये चीज जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 17 अक्टूबर 2023 यानी कल की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ओपनिंग डेट जो है वो एप्लीकेशन करने की अभी 25 अक्टूबर 2023 11 बजे से जो है स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। अब चलिए पे स्केल जो है, सैलरी यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगी। तो सैलरी जो है यहाँ पर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, लेक्चरर की पोस्ट है, तो 9300, 3400, ग्रेड पर 4800, यानी कुल मिलाकर जो है वो आपकी यहाँ पर 63,000 से भी जो है वो अधिक सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो भी यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा है तो इतना जो है यहाँ पर चाहिए, परसेंटेज जो है बिल्कुल यहाँ पर परसेंटेज का चक्कर है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और 50% मार्क्स यहाँ पर मांगे गए हैं। बैचलर डिग्री में एटलीस्ट जो है 45% मार्क्स जो है यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट के लिए जो है आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स के लिए यहाँ कहा है कि एमए इन फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। तो यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री मांगी गई है फिजिकल एजुकेशन में, और बैचलर डिग्री जो है वह भी मांगी गई है 45% मार्क्स में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए जो है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे निकलते हैं जहाँ केवल मास्टर डिग्री मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। एज लिमिट जो है वो क्या कही है यहाँ पर, तो कैंडिडेट्स एज शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 to 37 ईयर, 21 से लेकर 37 साल तक अगर इसके बीच में आप आते हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो एससी, ओबीसी, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन सूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर आप लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों को आयु में छूट दी जाएगी। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी लगेगी, तो 1000 रुपीज जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और ब्रैकेट में लिखा है ₹500 इन केस ऑफ एससी, एससी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर ₹500 रखा गया है, ठीक है। ऑनलाइन मोड से ही आप लोगों को जो है यहाँ पर पेमेंट करना होगा, और 20 नवंबर 2023 यहाँ पर जो है पेमेंट करने का जो है डेट रखा गया है, ठीक है। सिलेक्शन जो है यहाँ पर कैसे रहेगा, तो सिलेक्शन जो है यहाँ पर एक एग्जाम होगा द पोस्ट ऑफ लेक्चरर के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल दिखाया गया है कि पार्ट ए में जो है जनरल अवेयरेंस एंड रीजनिंग आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागॉजी, इसके 12 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद जो है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनके 5-5 और पंजाबी के 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उसके बाद जो है पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, तो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से संबंधित जो है प्रश्न होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, यहाँ लिखा है नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड 0.25 मार्क्स जो है यहाँ पर आपके गलत आंसर के कटेंगे। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर ईच पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही जो है वो अलग अलग 40% तक जो है आपके मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जो पार्ट है उसमें आपके ज़्यादा आ गए और एक में कम आ गए, यानी कि आपको जो है इन दोनों पार्ट पर जो है ध्यान देना होगा। अभी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपकी लग रही है और 1,000 रुपये, यानी सोच समझ कर जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि नॉन रिफंडेबल लिखा है, वापस नहीं होगी। ऑनलाइन मोड से ही आप लोग जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और फीस भी देंगे, तो 1,000 रुपये आपके लगेंगे। ऐसी कैटेगरी जो है इनके 500 रुपये यहाँ पर फीस लग रही है। बाकी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप बिल्कुल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही जो है आवेदन करेंगे। ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 25 अक्टूबर 2023, तो यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो रहेगी 16 नवंबर 2023, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस की जो लास्ट डेट रहेगी जमा करने की, ऑनलाइन मोड में रहेगी 20 नवंबर 2023, तो बिल्कुल वापस नहीं होगी फीस। तो बहुत सोच समझ कर और अच्छे तरीके से जो है जितने भी इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं वो सारे पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ी PDF फाइल नहीं है, केवल 5 पेजेस की ही है, और इसका लिंक मैं आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पर आ सकें, ठीक है। तो वैसे अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो है मेन वेबसाइट पर आना है आप लोगों को, और यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं डेली सर्कुलर्स में, तो बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 17 अक्टूबर को ये जारी की गई है विज्ञप्ति, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर PGT, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अभी जो है केवल PGT की आई है, TGT और PRT का बिल्कुल वेट करें, बिल्कुल आएगी, और चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल आराम से और सही समय पर जो है सही जानकारी मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।